Shri Ma Shri Shri Baba Shri Ji. Om Shri Ma Shri Shri Baba Shri Ji. Om 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 Deva Divandamamalam Sumukham Namashyam Vedanta Vedyamanisam Varadam Saranyam Siddhe Pradam Sakalaso Kavina Sadaksham Vande Ganesamajami Samanantarupa Suklam Brahma Vicharasar Parama Adhyam Jagat Vyapinim Veena Postak Dharinim Abhayadam Jadyandhakarapaha Haste Svatika Malikam Vidadhati Padmasane Sansita Vande Tam Parameshwarim Bhagavate Bodhim Pradam Sarada Atulita Baladhamam Swarna Saila Bhadeham Danujavan Krishanam Jnaninama Graganyam Sakala Gunanidhanam Vanaranam Madhisham Raghupati Priya Bhaktam Vata Jatam Namami Atma Tum Girijamati Sahachara Prana Sariram Griham Pujate Visayopabhogarachana Nidra Samadhi Sthiti Sancharah Padayo Pradakshina Vidhe Stotrani Sarvagiro Yadyad Karma Karomi Taddakhilam Sambhotavaradhanam Ganga Tarangaramani Yajatakalapam Gauri Nirantar Vibhav Shitavam Bhagam Narayana Priyamana Gamadapaharam Varanasi Purapatim Bhajavishwanatham Namo Devyai Mahadevyai Shivayai Satatam Namaha Namaha Prakrityai Bhadarayai Niyata Pranata Smitam Saranagata Dinarata Paritrana Parayane Sarvashyarti Hare Devi Narayani Namostute Narayani Namostute Narayani Namostute Ati Premisha Bolya Shri Umapati Mahadeva Ki Jai Aisi Suban Aaye Aaye Na Aisi Shaam Aisi Suban Aaye Aaye Na Aisi Shaam Jis Din Zubaan Pe Meri Jis Din Zubaan Pe Meri
जो हैं भक्तों के कल्याणकारी हैं, कल्याण करने वाला, सभी मनवांछित फल को देने वाला। जय शिव शंकर पाहि पुरारे गौरी शंकर देव हमारे। जय शिव शंकर पाहि पुरारे गौरे शंकर देव हमारे। जन रंजन मद मोह विनाशे भूतेश्वर काटो मम पासी। जय शिव शंकर पाहि पुरारे गौरे शंकर देव हमारे। बहे गंगा सिर जटा तुम्हारे अर्ध चंद्रमा मस्तक धारे। कहे बहे गंगा सिर जटा तुम्हारे अर्ध चंद्रमा मस्तक धारे। कर त्रिशूल डमरू है न्यारे गौरे शंकर देव हमारे। जय शिव शंकर पाहि पुरारे गौरे शंकर देव हमारे। जय शिव शंकर पाहि पुरारे गौरे शंकर देव हमारे। तो भगवान भूत भावन भोलेनाथ महादेवाधिदेव सभी संकटों को दूर करते हैं। जो भी भक्तगण शिव की आराधना करता है, शिव का पूजन करता है या शिव महापुराण की कथा श्रवण करता है, उसके जीवन में कभी अकाल नहीं होता है, क्योंकि भोले भंडारी हैं। और जो शिवलिंग की पूजा करता है उसका कभी अकाल मृत्यु नहीं होता है, क्योंकि शिवजी कालों के काल महाकाल। कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम तुषाराद्रि शंकास गौरम गंभीरम मनोभूत पोटे प्रभाश्रे शरीरम अस्फुरन मौलिकल्लो लेने चारु गंगा लसत भाल भालेंदो कंठे भुजंगा। चलत कुंडलम भोष्र नेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नील कंठम दयालम मृगाधीश चर्वा बरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्व नाथम भजामि। भगवान का जो शिव जी का भजन करता है, जो कीर्तन करता है, जो काल है, उस काल के महाकाल तो भगवान भोलेनाथ हैं। सभी कालों को, सभी भूत प्रेतों को, सभी पिशाचनों को, जितने डाकनी साकनी पिशाचनी जितने हैं, सब भगवान के गण हैं। और मनुष्य का रास्ता जब जाता है गाड़ी चलाकर या पैदल चलता है, एक्सीडेंट होता है, तो भगवान के गण के द्वारा ही एक्सीडेंट होता है, जिसे अकाल मृत्यु कहा जाता है।
और जो गले में रुद्र का माला धारण किया है, रुद्राक्ष का माला, स्वयं रुद्राक्ष का जो माला है वो स्वयं रुद्र के समान है, शिव के समान है, और जो शिवजी उसके गले में निवास करते हैं तो उसका तो अकाल मृत्यु हो ही नहीं सकता है। कल हम बता रहे थे कि श्री ब्रह्मा जी और विष्णु जी के झगड़ा को सुलझाने के लिए, ठीक करने के लिए भगवान भूत भावन भोलेनाथ महादेवाधिदेव अपने त्रिनेत्र से एक ज्योति को प्रकट करते हैं, निराकार के रूप में शिवलिंग की प्रकट, जो हम हर मासिक शिवरात्रि को महाभिषेक करते हैं या हर महा शिवरात्रि को साल में 12 महीने में 11 मासिक शिवरात्रि और एक महाशिवरात्रि कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को अर्धरात्रि में भगवान शिवलिंग की उत्पत्ति हुआ था। भगवान निराकार में अपने को प्रकट किए थे, क्योंकि इसलिए शिवजी ने निराकार शिवलिंग के रूप में अपने को प्रकट किए, क्योंकि मूर्ति जो होता है, मूर्ति उस सबको छूने के लिए वर्जित है। मूर्ति का रोज स्नान नहीं कराया जाता है, रोज कपड़ा चेंज नहीं होता है, इसलिए जो मंदिर के पृष्ठ होते हैं, जो पंडित जी होते हैं, केवल उनका अधिकार है मूर्ति का सेवा करने के लिए। तो भगवान शंकर जी ने सोचा कि भाई मूर्ति को तो सब भक्त छू नहीं सकते हैं, सब अभिषेक कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए ब्रह्मा जी के द्वारा और विष्णु जी के द्वारा उन्होंने एक लीला रची और अपने त्रिनेत्र से एक ज्योति प्रकट करके निराकार के रूप में शिवलिंग को प्रकट किए। जो शिवलिंग कल्याणकारी है, शुभकारी है, उस शिवलिंग का जब हम अभिषेक करते हैं, उस पर दूध चढ़ाते हैं, तो दूध चढ़ाने से हम क्यों दूध का अभिषेक, जल गंगा जल से अभिषेक करते हैं, दूध से अभिषेक करते हैं, दही से अभिषेक करते हैं, घी से अभिषेक करते हैं, मधु से अभिषेक करते हैं, शक्कर चीनी से अभिषेक करते हैं, गंधोतक द्वारा अभिषेक करते हैं, जो पंचामृत जो अमृत समान है, तो भगवान ने तो विष का पान किया है। भगवान भूत भावन भोलेनाथ महादेवाधिदेव विष का पान किया है, और उस विष को शांत कैसे किया जाए, ठंडा कैसे किया जाए, तो अमृत के द्वारा। तो जो पंचामृत है, जो ये पांचों चीज दूध दही घी मधु शक्कर, ये पांचों आइटम जब एक में मिलाया जाता है तो यह अमृत समान पंचामृत है, जो हम अपने घरों में हर एक पूजा में बनाते हैं पंचामृत, और पूजन के बाद उस पंचामृत को हम ग्रहण करते हैं। वह पंचामृत पांचों चीज जब भगवान को अर्पण किया जाता है तो हमें तो अलग अलग उसका फायदा भगवान आशीर्वाद रूप में देते हैं। जल चढ़ाते, अगर किसी के पास दूध नहीं है, दही नहीं है, ये पंचामृत का सामग्री अगर उपलब्ध नहीं है तो केवल जल से अभिषेक किया जा सकता है। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। सभी प्रकार के पापों से भगवान हमें मुक्त करते हैं। सभी विद्वानों के मुख से आप सुनते हैं कि 7 जन्मों का जो पाप है और जो पुण्य है वो हमारे साथ चलता है। वह पाप को नष्ट कैसे करते हैं, तो भगवान की आराधना अभिषेक करके। श्री सौराष्ट्रे सुमनाथं च
Shri Saile Malikarjunam Ujjainyam Mahakalam Omkaram Mamaleswaram Paralyam Vaidhyanathancha Drakinyam Bhimasankaram Setu Bandhe Tu Ramesam Nagesam Darukabane Ujjainyam Mahakalam Omkaram Mamaleswaram Paralyam Vaidhyanathancha Dakinyam Bhimasankaram Setu Bandhetu Ramesam Nagesam Darukavane Varanasyam Chabishveswam Trayambakam Gautamitate Himalaya Tu Kedaram Grinesam Chasivayale Etani Jyotri Lingani Sayam Pratah Patenaraha Sapta Janma Kritam Papam Asmarena Vinasyati. Bhagavan kitana saral upay bhaktoon ke liye banaye hain. Bhagavan ke is dvadas jyotirling ke naamon ka keval asmaran karne se hi saat janmon ka sapt janm saat janmon ka jo paap hai nasht hota hai. Aur saat paap kaise hota hai? Sab hamara karma कर्मण्येवा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. भगवान बोलते नहीं हैं लेकिन सुनते भी हैं और देखते भी हैं. केवल बोलते नहीं हैं, जो हम कर्मा करते हैं उस कर्मा का हमें फल प्राप्त होता है. हमारा कर्म शुभ है तो शुभ फल प्राप्त होता है, अशुभ है अशुभ फल प्राप्त होता है. दोनों कर्मा शुभ और अशुभ, सुख और दुख, दिन और रात, गरीबी अमीरी सब एक साथ चलता है. और दोनों एक दूसरे के भाई बहन कर लो या भाई भाई कर लो, दोनों एक साथ चलता है. केवल किसी को केवल गरीबी नहीं मिलती, उसका कभी समय पलटता है और अमीर भी आती है. केवल अमीरी नहीं चलती, पलटता है गरीबी भी आती है. इसलिए भगवान कहते हैं कि हर समय सुख हो या दुख हो एक समान रहो, सुख में ज्यादा उतावला नहीं हो और दुख में ज्यादा भटको नहीं इधर उधर. केवल भगवान के शरण पकड़ लो. शरणागत दिनारत परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते. शरणागत हो जाइए तो भगवान को केवल जल से अभिषेक कर सकते हैं अगर सामग्री नहीं है तो, और सामग्री है तो सभी प्रकार के वस्तुओं से दूध चढ़ाइए. दूध से भगवान हमें संसार के ऐश्वर्य के उस सब वस्तु हमें प्रदान करते हैं जो हमें सुख सुविधा चाहिए. घर चाहिए, मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, नौकरी चाहिए, बीबी बच्चा पति चाहिए, इस सब वस्तु भगवान को जब हम दूध अर्पण करते हैं तो उस दूध से हमें प्राप्त होता है. और भगवान शिव जी को जब हम दही अर्पण करते हैं दधि क्रावणो अकारिखम, तो दधि से हमें पशु यानी गौ माँ की सेवा करने का, खाने पीने का जो सामग्री है, हमारे घर में जो राशन चाहिए, चावल दाल आटा चीनी चाय पत्ती दूध, इस सब चीज दही को अर्पण करने से हमारे घर में सब भंडार भगवान भरे रखते हैं. और घी, दूध के बाद दही अर्पण करते हैं, दही के बाद घी अर्पण करते हैं शिवजी को. और घी जो है शुद्ध सात्विक घी होता है और घी को अर्पण करने से शिवजी को हमें तो शक्ति प्राप्त होती है और शक्ति के अलावा बल प्राप्त होता है, बुद्धि ज्ञान प्राप्त होता है,
विवेक प्राप्त होता है, हिम्मत मिलती है, और जो शुगर की बीमारी होती है वो शुगर की बीमारी भी खत्म होता है अगर घी का अभिषेक केवल किया जाए तो। शिव जी का घी के अभिषेक से शुगर की बीमारी भी खत्म होता है। दूध हो गया, दही हो गया, घी, मधु, मधु से जब हम अभिषेक करते हैं तो मधु के द्वारा अभिषेक करने से सभी मनोकामनाएं हमें पूर्ण होती हैं। बिजनेसमैन जितने लोग हैं उनको मधु से अभिषेक करना चाहिए क्योंकि कस्टमर उनके दुकान पर ज्यादा आएंगे। मधु के द्वारा शिव जी का अभिषेक जब करते हैं तो बिजनेस में प्रोग्रेस होता है, खेती बाड़ी में प्रोग्रेस होता है। जो खेती के काम करते हैं, जो बिजनेस का काम करते हैं, जो फैक्ट्रियां लगाए हैं, जो फैक्ट्री का काम करते हैं, जो इधर से उधर माल सप्लाई करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें मधु के द्वारा उनका काम आगे बढ़ता है। और लास्ट में शक्कर, चीनी, शक्कर से अभिषेक करने से भगवान भोलेनाथ हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी धन की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी मनी की प्राप्ति होती है चीनी की चढ़ाने से, इससे हमें फायदा होता है। लेकिन जब हम दूध और दही चढ़ाने के बाद घी जब चढ़ाते हैं ना और मधु, तो भगवान के शरीर में पूरा घी चिपक जाता है, उसको छोड़ाने का भी उपाय चाहिए ना। तो घी को 50% छोड़ाने का काम, निकालने का काम मधु करता है, और जो 50% बचा रहता है उस शक्कर से जब हम भगवान को रगड़ते सेवा करते हैं तो घी निकल जाता है। तो दो फायदा, भगवान की सफाई के लिए भी, लेकिन भक्त को उसका आशीर्वाद भगवान देते हैं। चीनी शक्कर से अभिषेक करने से हमें लक्ष्मी धन की प्राप्ति होती है, और जिस लक्ष्मी से हम चाहे शुभ कार्य करें या यस्य रागादिनानो मनोदूषितम्, यस्य रागादिनानो मनोदूषितम् तेन काशी अयोध्या गता वनमा, यस्य रागादिनानो मनोदूषितम्। जिसके मन में राग द्वेष, छह प्रकार का जो खड विकार है, काम क्रोध लोभ मोह मत्स्य ईर्ष्या भरा हुआ है, और वो काशी अयोध्या मथुरा वृंदावन या गंगा तालाब जाकर पूजा करता है, दर्शन करता है, नारियल फोड़ता है, तो भगवान उसका पूजन स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान कैसे स्वीकार करते हैं? छल जो है आपके अंदर, कपट जो है, कपट रहित, छल रहित अपने हृदय को निर्मल बनाइए, मन को निर्मल बनाइए, और भगवान में विश्वास अपने को जताइए, श्रद्धा और भक्ति दिखाइए। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। जब तक श्रद्धा भगवान के चरणों में नहीं होगा, भगवान के चरणों पर विश्वास नहीं होगा, तब तक किया हुआ जो भी कर्म है उसका फल पूरा नहीं मिलता, मिलता है बहुत कम मिलता है।
यस्य रागादिनानो मनोदूषितं तेन काशी अयोध्या गता वनमां तेन काशी अयोध्या गता वनमां जेन माता पिता सेवया पूजितो जेन माता पिता सेवया पूजितो मंदिरे तेन पूजा कृता वनमा यस्य रागादिनानो मनोदूषितम्। मन में अनेकों प्रकार का द्वेष भरा है, माता पिता का सेवा नहीं किया जा रहा है और बड़े बड़े कुत्ते को घर में रखकर उसका सेवा किया जाता है। एक कुत्ता बड़े बड़े 50,000 1-1 लाख रुपया में खरीद कर उसके लिए ननवेज बना खरीदा जाता है, खिलाया जाता है, गाड़ी में घुमाया जाता है, लेकिन माता पिता को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया जाता है। जो माता पिता इतना दुख उठाकर कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। 9 महीना गर्भ में रखने के बाद माँ उस बच्चे को जन्म देती है, कितना दुख उठाती है, कितना कष्ट उठाती है, और उसके बाद जब समय आता है माता पिता का सेवा करने के लिए तो बच्चे माता पिता को अनाथ आश्रम में भेज देते हैं। तो जो अपने माता पिता का सेवा नहीं करता है, भगवान कहते हैं उसी माता पिता के हृदय में हम निवास करते हैं, उस माता पिता को दुख दे रहे हैं बच्चे, और मंदिर आकर 108 नारियल फोड़ते हैं। कल मैं आप सबको बता रहा था कि सती अपने शरीर को अपने पिता प्रजापति राजा दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर को अग्नि कुंड में जलाकर भस्म कर दिया। भगवान भूत भावन भोलेनाथ महादेवाधिदेव समाधि में बैठ गए कई हजारों वर्ष। इधर एक ताड़का सुर का नाम एक राक्षस था, ताड़कासुर, जो भगवान ब्रह्मा जी का तपस्या करके वरदान प्राप्त किया अमरत्व होने के लिए। उसने कहा कि शिव जी का जो बड़ा पुत्र हो उसके द्वारा मृत्यु हो, और शिव जी की जो अर्धांगनी थी मां सती वो तो सती हो गई थी, हवन कुंड में अपने को जलाकर भस्म कर ली थी, और शिव जी समाधि में बैठे थे, और शिव जी को कौन जगा सकता है। इधर देवी देवता सब मिलकर 33 कोटि जो हमारे देवता हैं शिव जी मां की आराधना किए, शक्ति की, पराशक्ति की आराधना किए, और मां पराशक्ति हिमालय राजा के यहां उनके पुत्री के रूप में अवतार लेती हैं। जब उनका नामकरण माता पार्वती रखा गया, नारद जी आकर नामकरण किए माता पार्वती का, माता पार्वती जब विवाह योग्य हुई तब नारद जी ने ही माता पार्वती से कहा कि आप शिव की आराधना करें, शिव की तपस्या करें, शिव ही आपके पति हैं, वही आपके पति योग्य हैं, क्योंकि आप पराशक्ति हैं, पिछले जन्मों में आप सती थीं और इस जन्म में हिमालय के यहाँ आप जन्म लिए हैं जो माता पार्वती के रूप में, आप साक्षात जगदम्बा हैं, परम्बा हैं, ललितम्बा हैं, त्रिपुरा राज राजेश्वरी पराशक्ति हैं। तो माँ पार्वती आराधना की, हजारों बरस शास्त्र में बताया गया है
कि 12,000 वर्ष माता पार्वती जी तपस्या की, तपस्या के बाद भगवान भोलेनाथ ने परीक्षा लेने के लिए, जो कल हम बता रहे थे कि माता पार्वती शिवलिंग बालुकामयी बालू की शिवलिंग बनाकर गंगा जी के तट पर पूजन कर रही थी। एक बच्चा गंगा जी के तट में खेल रहा था, भगवान भोलेनाथ महादेवाधिदेव मगरमच्छ के रूप धारण करके उस बच्चे को पकड़ते हैं। बच्चा चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो माँ। माता पार्वती के कानों में आवाज जाता है, आवाज़ सुनने के बाद माता पार्वती दौड़े जाती हैं और मगरमच्छ से कहती हैं, हे मगरमच्छ, इस बच्चे को छोड़ दो, इसके बदले अगर खाना है तो मुझे खा लो। मगरमच्छ बोलता है कि नहीं, हम तुम्हें नहीं खा सकते, इस बच्चे को ही खाएंगे। माँ बहुत विनती करती हैं, निवेदन करती हैं, इस बच्चे के बदले जो भी चाहो, अगर मुझे खाना है तो खा लो और या जो भी चाहो ले लो, लेकिन इस बच्चे को छोड़ दो। तो शिव जी बोलते हैं मगरमच्छ के रूप में, हम एक ही शर्त है इस बच्चे को छोड़ेंगे कि आप शिव जी को पति के रूप में जितनी तपस्या की हो पाने के लिए, उस सभी तपस्या का फल मुझे दे दो, तब मैं छोड़ूंगा। माता पार्वती एक क्षण भी नहीं सोची, क्योंकि 12,000 वर्ष तपस्या की थी, अब तपस्या पूर्ण होने वाला था। माता एक बार भी नहीं सोची, उन्होंने सोचा अगर बच्चा बच जाएगा तो फिर हम अपनी तपस्या करके दोबारा भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या करेंगे। भगवान भोलेनाथ सुनते हैं कि ठीक है, मेरी तपस्या ले लो, तपस्या के जो भी फल है ले लो, लेकिन इस बच्चे को छोड़ दो। ये मां होती है, जगदम्बा जब एक मां एक बच्चे का ख्याल नहीं रख सकती, एक बच्चे के प्रति उसके हृदय नहीं कांपे, जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि चन जाने स्तुति महो, न चाहवानम ध्यानम तदपि चन जाने स्तुति कथा, न जाने मुद्रास्ते तदपि चन जाने बिलपनम, परम जाने मातस्त्वनुसरणम क्लेशहरणम, विधेरज्ञानेन द्रविण विरहेण लसतया, विधेयाशक्यत्वा तव चरणयोर्याच्युतरभो, तदेतच्छन्तव्यं जननि सकलोद्धारिणे शिवे, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र चाहे कितना हो कुपुत्र हो जाए, लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती है, चाहे अपनी माँ हो और चाहे दूसरी की माँ हो, माँ तो माँ होती है। तो माता पार्वती ने तुरंत अपना सब कुछ तपस्या का फल देने को तैयार हुई, भगवान वही मगरमच्छ का रूप धारण छोड़कर स्वयं प्रकट हुए और कहे, हे जगदम्बा, आप इस परीक्षा में पास हुई, मैं परीक्षा आपकी इसलिए ले रहा था कि आप जब हमारी अर्धांगिनी बनेगी और भक्तगण जब आपकी तपस्या करेंगे, आपका पूजन करेंगे, आपका व्रत करेंगे, तो आप उनको मन चाहा फल आशीर्वाद दे सकती हैं या नहीं, या स्वार्थ में आप नहीं दे सकती, इसलिए मैं आपकी परीक्षा ले रहा था। उधर भगवान भोलेनाथ कहे कि आप जाइए, श्री नारद जी के द्वारा आप शादी का विवाह का निमंत्रण भिजवाइए, हम इधर से बरात लेकर आएंगे और आपके साथ शादी पाणी ग्रहण संस्कार करेंगे। माता पार्वती आती हैं गंगा तट से, शिव जी का पूजन समाप्त करके, और यहाँ पर अपनी माँ मैना जी से कहती हैं, पिता हिमालय से कहती हैं कि हमारी शादी नारद जी ने शिव जी से
शादी करने के लिए कहाँ है, तो नारद जी को बुलाया जाए और निमंत्रण भेजा जाए और तिथि वार सब कुछ निकाला जाए। नारद जी को बुलाया गया, नारद जी आए, सब तिथि मुहूर्त के द्वारा शादी का मुहूर्त निकाला गया। नारद जी जाकर भगवान भोलेनाथ को तिथि मुहूर्त बताया है कि किस दिन आपको बारात लेकर आना है शादी के लिए। भगवान भोलेनाथ शादी की तैयारी करने लगे। भगवान भोलेनाथ ने अपने सभी जितने उनके 33 कोटि देवता हैं सबके यहाँ निमंत्रण भेजवा दिया, सबके यहाँ निमंत्रण गया कि इस तिथि को इस समय कैलाश से बरात को निकाला जाएगा और हिमालय राजा के यहाँ बरात जाएगी। भगवान ने सब लोग अपने अपने, कोई यहाँ पर पहुँचा नहीं, बाबा को कौन तैयार करेगा। बाबा कहे अपने गणों से, देखो भैया सब लोग तो अपने अपने को चमकाने में लगे हैं, अपने अपने सब ब्यूटी पार्लर में पहुँचे हैं, सब अपना अपना मेकअप करा रहे हैं, फेशियल करा रहे हैं, सब अपना अपना डेकोरेशन कर रहे हैं, अपने अपने वाहनों को डेकोरेशन कर रहे हैं, है ना। हम लोग क्या करेंगे भैया, हम लोग कैसे क्या करें। तो हम लोग अपने से तैयार हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ ने अपने गणों को बुलाया, अब उनके गण में जितने उनके गण थे आ गए। अब हुआ कि भाई ये तो दिगंबर हैं, इनको तैयारी कैसे किया जाए। अब सब आपस में बातचीत करने लगे गण कि बाबा को कैसे तैयार किया जाए। तो एक गण ने कहा, कचा रुको, बाबा के जो जटा है उसको खोला गया और जटा को बड़ा बढ़िया से लपेट कर सर पर बांधा गया। एक ने कहा चलो मुकुट का काम तो हो गया, जब दुल्हा मुकुट पहनता है ना, चलो जटा तो द्वारा मुकुट का काम हो गया, लेकिन मुकुट में कुछ सजाते हैं उसको कैसे किया जाए। एक गण ने गया जंगल में और एक बोरी भर के छोटे छोटे सुंदर सुंदर नागों को पकड़ कर ले आया, सभी नागों के जो गला है उस पर बांध दिया रस्सी में और आगे बाबा के जटा में बांध कर उनके जो छोटे छोटे पूंछते रंगीन बिरंगी जितने से नाग सबको आगे मयूर की तरह लटका दिया गया। अब कान में क्या हो, तो गणों ने सोचा कान में क्या चीज पहनाया जाए, कुंडल के जगह पर बिच्छू, छोटे छोटे नागों को बांध कर कान में लटका दिया गया और उस नाग में बिच्छू को कहा गया भाई पकड़ के रखना, गिरना नहीं। बासुकी नाग होता है लंबा, बासुकी नाग, उस नाग को कम गले में जनेऊ के रूप में धारण करा दिया गया, गले में नाग को पहना दिया गया। अब बाबा खड़े हुए, अब हुआ कि भाई थोड़ा पाउडर वाउडर लगा दिया जाए बाबा को। तो एक गण ने भागे भागे गया शमशान में, जाकर वहां शमशान का भभूति ले आया, पूरे बाबा के पूरे शरीर में पाउडर लपेट दिया, पूरे उजर उजर चमकने लगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर के समान सफेद चमकने लगे। बाबा खड़े हुए तो एक गण ने कहा बाबा जा रहे हैं शादी करने, तो थोड़ा सा कमर में कुछ डाल लीजिए, दिगंबर है ना नंगे रहते हैं बाबा। तो एक गण ने कहा बाबा ऐसे ही जाएंगे शादी करने, अरे कुछ तो डाल लीजिए कमर में। तो बाबा मृग चर्म पर बैठते थे, बाघंबर कहे किसी को डाल लेते हैं, अब बाघंबर को कैसे बांधा जाए। तो दो सांपों को एक में जोड़ दिया गया और कमर में उसी बाघंबर को लपेट कर बांध दिया गणों ने
और कहा नागों से देखो भैया हिलना नहीं, अगर हिले थोड़ा भी हिले तो बाघंबर गया नीचे, इसलिए कस के बांधे रहना, पकड़े रहना। फिर भगवान तैयार हुए और फिर उनके और गण वो जो बाकी थे सभी जितने भूत भूतनी पिशाच पिशाचनी डाकनी साकनी हाकनी बेताल जितने राक्षस हैं सबको बुलाया गया, सब आए नाचते हुए। ऐसा विकराल किसी का हाथ नहीं है, किसी के हाथे हाथ है, किसी का सर नहीं है, किसी का सर ही सर है, किसी का पैर नहीं है। ऐसे ऐसे सभी पूरे देशों से भगवान के गण आए, भूत पिशाच। कुछ काले भूत आए जिनका शरीर तो नहीं दिखाई दे रहा था, जब वो हंसते थे तो उनका दांत दिखाई देता था, चमकता था। इस तरह से भगवान को सजाकर लेकर चले बरात। देवता लोग पहले निकल गए आगे आगे अपने अपने वाहनों से। भगवान भोलेनाथ को कोई पूछा नहीं क्या आप चल रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। सब लोग अपने अपने में, जितने देवता लोग थे सब लोग आगे निकल गए। भगवान कहे कि जाने दो भैया, कोई बात नहीं है ना, सब लोग जा रहे हैं तो जाने दो, हम लोग पीछे से ही चलेंगे है ना। अगर हम लोग पहुंच गए ना तो इन लोगों को कोई खातिरदारी नहीं होगी, एक गिलास पानियो नहीं कोई पूछी। भूत प्रेत पिशाच को देखकर कौन बरात देखने जाएगा। इधर से सबसे पहले देवता लोग पहुंचे, दरवाजे पर लोग खड़े थे सेवा के लिए, सत्कार के लिए बरातियों को। एक बुजुर्ग थे, भगवान विष्णु को देखे एकदम टेंट पेंट हुए थे, खूब सुंदर दिखाई दे रहे थे है ना। तो एक बुजुर्ग ने पूछा आप ही हैं ना, आप ही हैं। तो विष्णु भगवान पूछते हैं कौन आप ही हैं, कौन आ, तो दुल्हा आप ही हैं ना। भगवान विष्णु कहते हैं नहीं नहीं, दुल्हा हम नहीं है, दुल्हा तो अभी पीछे है। तो वो बुजुर्ग सोचने लगते हैं कि जब दुल्हा के बराती इतने सुंदर हैं तो दुल्हा कितना सुंदर होगा। बरात के जो देवताओं की बरात आगे आगे थी उनकी खूब सेवा सत्कार हुई। फिर पीछे से भगवान भोलेनाथ के बरात पहुंचा, सब राक्षस जितने भूत प्रेत थे सब नाचते हुए। गांव के लोग जो बरात देखने आए थे सब भागकर अपने घरों में छुप गए। बाबा पहुंचते हैं दरवाजे पर, मैना जी आते हैं, क्योंकि दुल्हा का परछावन किया जाता है ना, मैना जी आती है परछावन करने के लिए। देखती हैं दुल्हा का विकराल रूप, वहीं पर बेहोश हो जाती हैं और उनके हाथों से आरती की थाली गिर जाती है और चिल्लाते घर में भागती हैं। अंत में सभी देवता लोग बाबा को समझाते हैं, बाबा अपने उस रूप को छोड़कर फिर सुंदर रूप को धारण करते हैं और इस तरह से जाकर फिर से परछावन माता माँ करती हैं और माता पार्वती के साथ भगवान भूत भावन भोलेनाथ महादेवाधिदेव के पाणी ग्रहण संस्कार नारद श्री नारद मुनि जी कराते हैं और इस तरह से बाबा का विवाह संपन्न होता है। प्रेम से बोलिए श्री उमापति महादेव की। तो शिव महापुराण की कथा बाबा की शादी यहाँ पर आज हम संपन्न करते हैं। आगे इसके बाद महा
पूर्णावती का काम होगा, हवन का काम होगा। आप सभी भक्तगण हवन में भाग लेंगे, जो भी यहाँ पर आए हैं हवन में भाग लीजिए और पुण्य का भागी बने और शिव जी का हमेशा पूजन पाठ करते रहें। सावन खत्म होने के बाद भादों का महीना, इसके बाद पितृपक्ष आएगा, फिर दुर्गा पूजा आएगा। पितृपक्ष में अपने अपने पितरों का तर्पण करना, पिंडदान करना। जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, जो पितर हैं वही शिव जी हैं और माता पार्वती हैं। तो अगर अपने पितरों का तर्पण नहीं करते हैं, पिंडदान नहीं करते हैं, तो समझ जाओ पितर नाराज तो शिव जी नाराज। इसलिए आप सब आगे भी भगवान की भक्ति, खूब श्रद्धा भक्ति करें। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। ओम शांति शांति शांति। ओम इंद्राय स्वाहा, इदम् इंद्राय नमः। ओम अग्नये स्वाहा, इदम् अग्नये नमः। ओम वायवे स्वाहा, इदम् वायवे नमः। ओम सूर्याय स्वाहा, इदम् सूर्याय नमः। ओम भू स्वाहा, इदम् अग्नये नमः। ओम भुवः स्वाहा, इदम् वायवे नमः। ओम स्वः स्वाहा, इदम् सूर्याय नमः। जो लोटा में जल है थोड़ा अग्निदेव में छोड़ दीजिए। यथा वाण प्रणाम कौचुम भवतु वारिका तद्दयघाताना शांतिर्भवतु वारिका। आप सब लोग छोड़िएगा, एक बार केवल जल छोड़िएगा, एक बार, ओनली वन टाइम। ओम गणानन्त्वा गणपति गुं हवामहे, प्रियानन्त्वा प्रियपति गुं हवामहे, निधीनान्त्वा निधिपति गुं हवामहे। वसो मम आहमजानि गर्वधमा त्वमजा श्रीगर्वधमं श्रीगंगणपतये स्वाहा। ओम श्रीगंगणपतये स्वाहा। ओम श्रीगंगणपतये स्वाहा। ओम श्री गंगणपतये स्वाहा। ओम श्री गंगणपतये स्वाहा। ओम श्री गंगणपतये स्वाहा। ओम अम्बे अम्बिके बालिके नमः नयति कश्चन स सत्सुचिकाः सुभद्रिकां कां पिलवासिनीम्। ओम श्री गौर्यै स्वाहा। 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 थोड़ा जल, शांतिर्भवतु वारिणा। ओम घृणी श्री घृणी सूर्याय स्वाहा। ओम श्री सोम सोमाय स्वाहा। श्री अंगारकाय स्वाहा। ओम शांतिर्भवतु वारिका। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धन उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ओम श्री महामृत्युंजय देवाय स्वाहा। 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 ओम श्री रुद्राय 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 स्वाहा। ओम श्री शिवाय 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 स्वाहा। ओम श्री महाकालाय स्वाहा। ओम श्री महाकालाय स्वाहा। ओम श्री महाकालाय स्वाहा। ओम श्री महाकालाय स्वाहा।
ओम श्री महाकालाय स्वाहा 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 ओम विष्णुवे स्वाहा ओम श्री 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 रुद्राय 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 स्वाहा ओम श्री घोडस मातृका देव्यै स्वाहा ओम श्री घोडस मातृका देव्यै स्वाहा ओम श्री सप्तघृत 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 मातृका देव्यै स्वाहा जल छोड़ दीजिए ओम श्री मन महागणाधिपतये स्वाहा श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम स्वाहा श्री उमा महेश्वराभ्याम स्वाहा श्री कुलदेवताभ्यः स्वाहा श्री ग्रामदेवताभ्यः स्वाहा श्री स्थानदेवताभ्यः स्वाहा श्री वास्तुदेवताभ्यः स्वाहा ओम श्री गौर्यै 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 स्वाहा ओम श्री रुद्राय 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 स्वाहा ओम श्री महामृत्युंजय देवाय 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 स्वाहा जल छोड़ दें ओम श्री मन महागणाधिपतये स्वाहा ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम स्वाहा ओम श्री उमा महेश्वराभ्याम स्वाहा ओम श्री वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम स्वाहा ओम श्री शचि पुरंदराभ्याम स्वाहा ओम श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यः स्वाहा ओम श्रीष्ट देवताभ्यः स्वाहा ओम श्री कुल देवताभ्यः स्वाहा ओम श्री ग्राम देवताभ्यः स्वाहा शीश पे गंगा गले भुजंगा ढाल त्रिपुंड सजाए हैं शीश पे गंगा गले भुजंगा ढाल त्रिपुंड सजाए हैं मन मंदिर में अपने जो देखा शिवजी मेरे पधारे हैं।